समय आया जब कहा जाने लगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और फिर समय आया उस महर्षि देव दयानंद का जिन्होंने नारी को वही जिसकी वह नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि जकड़े देश को राह दिखाई थी तूने, जिसको उन काल भी बुझा सके वह क्षमा जलाई थी तूने, घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। और आज फिर से हम उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। क्या महर्षि देव दयानंद ने यही सपना देखा था? क्या वो चाहते थे आज की ये स्थिति हो कि घर में पिसती नौकरी की मार को झेलती, दहेज की पीड़ा से सिसकती और भ्रूण हत्या से तड़पती है नारी, और इस सब से बढ़कर समाज के अनाचार के रूप में घिनौने कृत्य की वेदना ने नारी की अस्मिता पर एक जबरदस्त प्रश्न चिन्ह लगा दिया है? क्या हम चाहते हैं कि नारी इसी स्थिति में रहे? क्या हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटियों को शिक्षित करें और उन्हें उस बुराइयों से छुटकारा दिलवाएं जिनसे महर्षि देव दयानंद उन्हें छुटकारा दिलवाना चाहते थे? आज स्थिति ये है कि एक बच्ची को पैदा होने तक का अधिकार नहीं दिया जाता। आज स्थिति ये है कि उसे गर्भ में मार दिया जाता है, और जिसमें महिलाओं की खुद की भूमिका संदिग्ध है, जिसमें महिलाएं खुद एक प्रश्न चिन्ह के रूप में हमारे सामने आती हैं। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी मातृशक्ति से और यहाँ पंडाल में उपस्थित सभी श्रोतागण से ये आह्वान करती हूँ कि आप बेटी को जन्म दें और बेटी को वो वातावरण दें कि और भी आपके समक्ष उपस्थित होके कह सके कि हमारे घर यदि जन्म ले तो बेटी ले, हमारे घर यदि वंश की शोभा कोई बढ़ाए तो वो बेटी हो। और मैं महर्षि देव दयानंद सरस्वती को याद करके यही कहूंगी कि रस में नहाओ फूल के मकरंद की तरह, गूंजो महर्षियों के दिव्य छंद की तरह, मरना हो तो मर गया बिस्मिल जैसे, जीना है तो जियो स्वामी दयानंद की तरह। ये प्रेरणा न केवल युवाओं को जो युवा है उन्हें लेनी है, बल्कि युवतियों को भी लेनी है। हमें महर्षि देव दयानंद की तरह जीना है, हमें अपनी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता नहीं बनाना, हमें पर्दे की चीज पर्दे पर दिखाकर स्टार नहीं बनना। एक बार एक अखबार में बड़ी गजब की पंक्तियां लिखी हुई थी कि वो पर्दे की चीज पर्दे पे दिखाकर रातों रात स्टार हो गई, मगर भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। आज जरूरत है एक ऐसी शिक्षा की, आज जरूरत है ऐसे संस्कारों की। कहा जाता है माता निर्मात्री भवती, अर्थात माता निर्माण करती है। हम कल कारखानों में मानव निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते, ये तो माता है जो बच्चे को संस्कार देती है, उसे शिक्षा देती है। हम अपने देश को भारत माता कहते हैं, हम अपनी भाषा को मातृभाषा कहते हैं, हम यदि भगवान को याद करते हैं तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सर्वप्रथम उसे माता की संज्ञा देते हैं। और हम उस माँ को भूल जाते हैं, हम उस माँ को शिक्षित नहीं कर पाते, हम उस माँ को इस धरती पर जन्म लेने का अधिकार नहीं दे पाते, तो हम शर्मसार होते हैं, हमारी मानवता शर्मसार होती है। हमें जरूरत है माताओं को फिर से उसी रूप में लाने की जो रूप चाहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और मैं अंत में यही कहूंगी कि तुम उस देश की जननी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता, देखो कहीं भटक मत जाना झूठे परिहास विलासों में, करना कुछ ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। धन्यवाद, नमस्ते।